हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सरोकार शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है हमारी, हमारा जो टॉपिक है बकरी की नस्लें, तो बकरी की नस्लों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु परिचर की भर्ती आ गई है, जिसका एग्ज़ाम जो है अभी क्या है, सेप्टेम्बर में बताया गया है, ठीक है। लेकिन क्या है इसका कोर्स, क्या है, काफ़ी बड़ा है कोर्स, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बकरी की नस्लें। तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, तो सभी को सेशन में जुड़ना है। और आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आपको इस क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बकरी की नस्लें। तो बकरी आप सभी ने देखी है, बकरी कैसी दिखाई देती है, बकरी सभी ने देख रखी है ना। इंग्लिश में बकरी को क्या कहते हैं, गॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किस प्रकार का पशु है, ये एक पशुधन की श्रेणी में आने वाला पशु है। पशुधन से अर्थ क्या है, ऐसे पशु जिनसे हमें क्या हो, आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ जिससे मिलता है, वह सभी किसी की श्रेणी में आते हैं, वह आते हैं पशुधन की श्रेणी में। तो यह एक पशु है हमारा बकरी, यह भी किसकी श्रेणी में आएगा, पशुधन की श्रेणी में। तो आइए चलिए जानते हैं क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है बकरी का, तो यहाँ पर याद रखना है, बकरी जो होती है आपकी, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। आप कोई सा भी पशु पढ़ेंगे उनके अंदर आपसे वहाँ पर उनके जूलॉजिकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर अब हम सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हमको जो ध्यान में रखना है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, सभी को पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है, वैज्ञानिक नाम से कि, तो वैज्ञानिक नाम याद रखना है बकरी का क्या है, कपरा हिरकस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा बकरी का, कपरा हिरकस, ठीक है। ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या नाम है, यहाँ पर नाम देखेंगे कपरा हिरकस, क्या नाम हो जाएगा बकरी का, कपरा हिरकस, ठीक है, कपरा हिरकस। और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या पूछ सकते हैं बकरी के बारे में, तो यहाँ पर इसके क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या भी पूछी जाती है कि आपकी जो बकरी है इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है। सूत्र संख्या का ध्यान रखना है, जो गुणसूत्र संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बकरी में, वो हो जाएगी 60। जैसा कि हमने पढ़ा है गाय के बारे में, गाय के बारे में पढ़ा चुकी हूँ ना आपको, गाय जो है आपकी, गाय में मैंने आपको बताया था गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 60 होती है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है आपकी जो बकरी है इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है, 60 है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनता है, बकरी में गुणसूत्र संख्या, सूत्र संख्या को ध्यान रखेंगे, गुणसूत्र कितने होंगे, सूत्र संख्या कितनी होती है, संख्या होती है बकरी में 60, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी होती है, 60 होती है। और क्या ध्यान में रखना है इसके अलावा, कि कुल के बारे में पूछा जाता है कि बकरी का जो कुल होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बकरी का कुल होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, बकरी हो, भेड़ हो आपकी, सॉरी बकरी हो, हाँ भेड़ हो, भैंस हो या गाय हो, सबका कुल क्या रहेगा, कुल एक जैसा रहता है, कुल सेम रहता है, इसके कुल को कहते हैं बोविड़ी, ठीक है। कुल का नाम क्या है, बोविड़ी है। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कुल से कुल क्या हो जाएगा बकरी का, तो को ध्यान में रखना है, कुल हो जाएगा बोविड़ी, क्या कुल हो जाएगा, बोविड़ी, ठीक है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गई इसकी इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वाली बातें। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है बकरियों के उपनाम के बारे में, कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है। समझ में सभी क्या आ रहा है, आ रहा है तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा उपनाम से पूछा जाता है कि बकरी का उपनाम क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे नाम देखे जाते हैं बकरी के, उन उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो नाम होता है, ठीक है, उपनाम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर उपनाम की बात करें, पहला उपनाम क्या होता है बकरी का, इसे गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को क्या कहते हैं, गरीब की गाय। अब ये भी पूछा जाता है कि गरीब की गाय किसने कहा है, क्यों कहा है। यहाँ से आपको पहला पॉइंट याद रखना है, पहले इसमें याद रखना है क्या बोलते हैं बकरी को,
गरीब की गाय, ठीक है। पहली पहला तो बोलते हैं इसको गरीब की गाय। गरीब की गाय इसलिए कहते हैं, ठीक है। गरीब की गाय कहा है, किसने कहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड नंबर पर इसको बोला जाता है वनस्पति का शत्रु। क्या बोलते हैं इसे? वनस्पति का शत्रु कहते हैं। और वनस्पति का शत्रु क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये क्या करती है? पेड़ पौधों को नष्ट करती है। वनस्पति का शत्रु, ठीक है। ये भी इसी का ही नाम है। और क्या बोला जाता है बकरी को? तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। क्या बोलते हैं बकरी को? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, ठीक है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। और भी नाम है इसके, काफी सारे नामों से आप बकरी को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर और लिखेंगे और नाम क्या हो जाएंगे, तो फोर्थ नंबर का जो नाम है इसका अन्य नामों में या उपनामों में वो आपको ध्यान में रखना है। इसे कहा जाता है रनिंग डेरी। क्या कहा जाता है बकरी को? रनिंग डेरी, ठीक है। रनिंग डेरी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि इसका है, वो है क्या, पांचवें नंबर का डबल एटीएम। इसे क्या बोलते हैं? डबल एटीएम। और डबल एटीएम क्यों बोला है? डबल एटीएम इसलिए कहा जाता है बकरी को क्योंकि इनसे क्या है, मनुष्य को दो दो फायदे हैं। दो दो फायदे हैं। फायदे क्या क्या हैं? इससे क्या मिल रहा है? बकरी क्या करती है? दूध उत्पादन भी करती है और इससे हमें मांस भी मिलता है। इस कारण से इसे डबल एटीएम भी कहा जाता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि गरीब की गाय किसने कहा है बकरी को, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है बकरी को गरीब की गाय जो कहा है वो कहा है महात्मा गांधी ने। कहा है? महात्मा गांधी ने। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। इसके अलावा अब ये हो गई उपनामों की बात, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे की बात करते हैं। देखो बकरी क्या करती है? वनस्पति खाती है, यानी पेड़ पौधे खाती है, ठीक है। पेड़ पौधे खाती है तो उसके खाने की इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। बकरी का एक और पॉइंट लिखना है इसमें, पॉइंट क्या है, ठीक है। बकरी का लिख लेते हैं, बकरी का वनस्पति को खाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी का वनस्पति को खाने की क्रिया, वनस्पति को खाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसे कहा जाता है ब्रूसिंग। क्या कहा जाता है बकरी का पेड़ पौधे खाने की क्रिया को? ब्रूसिंग कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट बात थी इसलिए आपको बता दी। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो इसके बारे में पढ़ने हैं आपको। और क्या पढ़ना है? तो यहाँ से ध्यान रखिए, पूछा जाता है आपसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। क्या पूछा जाता है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो सभी को क्लास में लास्ट तक जुड़े रहना है और क्लास को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करना है सभी को। केंद्रीय बकरी अनुसंधान अनुसंधान स्थान बोल सकते हैं, केंद्र भी, के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है याद रखना है। ये है मखदूम में, और मखदूम कहाँ है? मथुरा में, और मथुरा कहाँ है? यूपी में। याद रखना है मखदूम, क्या याद रखना है? मखदूम मथुरा यूपी के, मखदूम मथुरा, और मथुरा कहाँ है अपना? उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है बकरी के बारे में? देखिए बकरी के बारे में एक और बात ध्यान में रखनी है, क्या होता है? भेड़ और बकरी के मध्य क्या होता है? संकरण होता है। भेड़ और बकरी के मध्य क्या होता है? संक्रमण, सॉरी संकरण होता है। इस संकरण को क्या कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या भेड़ व बकरी के मध्य संकरण क्या कहलाता है? भेड़ व
बकरी के मध्य संकरण क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, भेड़ में बकरी के मध्य संकरण, तो ये कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसे कहा जाता है काइमेरा। हिंदी में बोलते हैं इसे काइमेरा और इंग्लिश में बोलते हैं विप। क्या बोलते हैं? विप बोलते हैं, ठीक है, काइमेरा। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे विप भी इसे कहा जाता है। दोनों ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है जो बकरी के बारे में हमें पढ़नी है? यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि बकरी जो होती है अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत खा सकती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बकरी बकरी अपने शरीर भार का बकरी अपने शरीर भार का 5 से 7% भोजन खा सकती है। इतना खा सकती है, भोजन खा सकती है, ये भोजन या पदार्थ खा सकती है। ये दोनों ही बातें जो सेम है आपको ध्यान में रखनी है। कितना प्रतिशत खा सकती है? 5 से 7%, ठीक है, तो अंडरलाइन करना है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है? देखो बकरी में क्या होते हैं? बदियाकृत नर। अब बदियाकृत का अर्थ क्या है? नया वर्ड है आपके लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। बदियाकरण का अर्थ है ऐसे पशु जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो गई हो, जिनकी क्या नसबंदी कर दी गई हो, जाकि वो प्रजनन क्षमता और अधिक ना हो या उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, उसे कहा जाता है बदियाकृत। तो यहाँ पर बकरी के जो बदियाकृत नर है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, तो यहाँ पर लिखना है बकरी के बदियाकृत नर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जल्दी से बताना है सभी। बकरी के बदियाकृत नर को कहते हैं बदियाकृत नर। क्या कहलाएंगे? जल्दी से लिखना है। यहाँ पर वक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? वक कहा जाता है। यहाँ से ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्या कहते हैं उन्हें? वक कहते हैं। बातें होप आप सभी के समझ में आ गई होंगी। और क्या पढ़ना है इसमें? तो इतनी बातें पढ़ ली है, एक बार इनको रिवाइज करें या इसके आगे पहले लिखवा दूँ आपको? चलिए और बातें लिखवा देते हैं, फिर एक साथ सब कुछ रिवाइज करेंगे लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके जो भारत में, भारत की बात की जाए तो भारत में बकरी की कुल कितनी नस्लों को मान्यता प्राप्त है? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनता है कि भारत में बकरी की कुल कितनी नस्लों को क्या है? मान्यता प्राप्त है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं वो कितनी है? 37 है। कितनी है? 37, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हें मान्यता देता कौन है? तो मान्यता प्राप्त किसके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। ठीक है, नोट बना के लिख लेते हैं ये, तो ये अपने लिए नोट बनाकर इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पर नोट हो जाएगा अपना, यहाँ पर नोट करना है भारत में, भारत में मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। याद रखना है कि मान्यता प्राप्त किस है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के वो भी लिख लेंगे। मान्यता प्राप्त है NBAGR। ये GR क्या है? पशु अनुसंधान केंद्र है, कि करनाल में है NBAGR, करनाल। और करनाल कहाँ है आपका? हरियाणा में है, द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा क्या है? मान्यता दी जाती है सभी पशुओं की को। बातें समझ में आ गई आपके, पर इसको भी देख लीजिए कि भारत में 37 बकरी की नस्लों को मान्यता प्राप्त है, ठीक। यहाँ तक समझ में आए, तो इसके आगे हम एक एक नस्ल के बारे में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नस्लों में आएंगे।
तो बकरी की नस्लों में पढ़ रहे थे हम, वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, बकरी क्या है? कपरा हिरकस है। वहीं पर अब संख्या की बात करें, है यहाँ पर 60 होते हैं। क्या कहा जाता है? कहा जाता है इनके नाम इम्पोर्टेंट है। नाम पूछे जाए तो क्या क्या है? गरीब की गायें से कहा जाता है, वनवन का शत्रु इसे कहते हैं, और रेगिस्तान का चलता फिरता कहा जाता है, रनिंग डेरी भी कहते हैं, और AAATM भी इसी का नाम है। क्या आगे की बात करें और क्या बताया? तो बताया कि बकरी वनस्पति खाती है, किस क्रिया को क्या कहते हैं? किस क्रिया को कहते हैं? कहा जाता है ब्रूस की। क्या आगे और क्या है फिर पूछा जाए? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो आपका मखदुमपुरा यूपी। इसके अलावा क्या याद रखना है कि भेड़ व बकरी के मध्य क्या होता है? संकरण होता है। उसके संकरण को क्या कहते हैं? काइमेरा या विप कहा जाता है। ओके, फिर बकरी अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत खा सकती है? तो 5 से 7% खा सकती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, बकरी के बदियाकृत नर को क्या कहा जाता है? कहा जाता है वक। इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको बता दी। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है आपको? और है कि भारत में बकरी की नस्लों को मान्यता प्राप्त है, में बन सकता है आपके लिए, यहाँ से ध्यान में रखना है। 35 क्या है? मान्यता प्राप्त है, और ये मान्यता किसके द्वारा प्राप्त है? NBAGR के द्वारा। ये क्या है? पशु अनुसंधान केंद्र करनाल में है, हरियाणा में। बात समझ में आई? अब एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइए, पहली जो नस्ल है आपकी, हेडिंग लगाएंगे सभी कश्मीरी, है कश्मीरी। पहली जो नस्ल है इसको कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरी। चल भी दिखा देती हूँ कैसी दिखाई देती है आपकी कश्मीरी नस्ल। ठीक, यहाँ पर एक बार हम पहले इसकी कैसी दिखाई देती है, बाद आगे की बात करेंगे। देखना जो दिखाई देती, दिखा देती हूँ। बात नहीं, दिखा देती हूँ। ऐसे ही बता दी उसके बारे में, आप बाद में देख, कल की क्लास में भी हम यही टॉपिक लेने वाले हैं। टॉपिक खत्म होगा नहीं हमारा, तो कल की क्लास में आपको दिखा दूंगी। ये कश्मीरी नाम से ही चल रहा है कहाँ की नस्ल है, ये कश्मीर की नस्ल। कहाँ की नस्ल है? कश्मीर। पूछा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति अगर पूछ ली जाए तो क्या ध्यान रखना है? कहाँ से हुई है उत्पत्ति? उत्पत्ति हुई है इसकी कहाँ से? कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र। कहाँ कहाँ से हुई है? कश्मीर के पहाड़ी। बात आप यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, के बारे में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र से क्या हुई है? कश्मीरी नस्ल की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा पूछा जाता है इसके बारे में कि अन्य नाम क्या क्या है, तो अन्य नाम भी इम्पोर्टेंट है। उसका अन्य नाम है, इसे चेंगू या चेंगनी नाम से भी जाना जाता है। कैसी दिखाई पड़ती है ये, तो इसका रंग कैसा है? सफेद। और इम्पोर्टेंट बात है, पश्मीना ऊन प्रसिद्ध। पश्मीना ऊन की बात यहाँ पर क्यों है मैंने? क्योंकि पश्मीना ऊन जो है क्या है, उच्च श्रेणी की ऊन है, महंगे महंगे क्या बनते हैं? वस्त्र बनते हैं। यहाँ पर इन बातों को लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे है नस्ल, ये लिखे इनके बारे में। पहला पॉइंट क्या है? उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति
कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र कहाँ से हुई है? कश्मीर के पहाड़ी से हुई है, ठीक, कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहला पॉइंट है। फिर मैंने बताया यह कैसे रंगी है, तो आप गूगल पे देखिए कैसे रंगी है, यह इसका रंग कैसा है, रंग क्या लिखते हैं, सफेद रंग, सफेद रंग की है, सुंदर सी दिखाई पड़ती है। और क्या विशेषता है इसकी, के अन्य नाम पूछे जाए तो इसके अन्य नाम क्या है, तो बोला जाता है चेंगू। क्या नाम है इसका? चेंगू है। और इसके अलावा एक और नाम है इसका, क्या नाम है? चे, दोनों ही क्या है इसके नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और क्या इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है? बस तो इम्पोर्टेंट बात है पश्मीना ऊन, ठीक है, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन हेतु प्रसिद्ध, पश्मीना ऊन प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर महंगे वस्त्र की बात की जा रही है, ठीक है। पश्मीना के बारे में लिखा, क्या मतलब है इसका? उत्तम श्रेणी की ऊन, कैसी ऊन प्राप्त होती है? उत्तम श्रेणी की ऊन है हमारी पश्मीना ऊन। देखेंगे एक बार, इसको पढ़ लीजिए, कश्मीरी जो आपकी जो नस्ल है, पति कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, रंग कैसा है? सफेद रंग है। पर अन्य नाम की बात करें तो चेंगू है और चेंगतनी है। पश्मीना ऊन प्रसिद्ध है और उत्तम श्रेणी की ऊन है ये पश्मीना ऊन है। बातें समझ में आई? अब सेकंड जो नस्ल है आपकी, जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी जमुना परी। कैसी? जमुना परी। जमुना परी की बात करते हैं यहाँ पर, क्या है जमुना परी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। अब नेक्स्ट डालेंगे आप सभी जमुना परी। अब परी पीछे जुड़ चुका है, यानी ये भी कैसी है? सुंदर है। जमुना परी कैसी हो गई? ये सुंदर हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में, चलिए लिख बारे में भी। इसका पहला पॉइंट देखो, आप जितनी पढ़ोगे ना उनके आपको पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसकी उत्पत्ति का। बात पढ़ेंगे इसकी विशेषता, पढ़ेंगे इनकी उपलब्धता, बातें हैं जो तीन आपको हैं जो हर नस्ल में पढ़नी है, चाहे से वो गाय की नस्ल हो आपकी, भैंस की हो, बकरी की हो, बिल्ली हो, या कोई भी आप पशु पढ़ेंगे। पहली बात जमुना परी के बारे में ध्यान रखनी है कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, इटावा जिले से क्या हुई है कि उत्पत्ति हुई में कौन सा जिला? इटावा। ध्यान रह जाएगा सभी को। इसके अलावा पूछा जाए यहाँ पर क्या है इसकी विशेषताओं की बात करें कि क्या है, सबसे शरीर जो है आकार है काफी बड़ा है, कि शरीर आकार कैसा है? बड़ा है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि कानों की विशेषता है, कान है लंबे और लटकते हुए। समझ में आ गया? दिखाई कैसी पड़ती है? फोटो है अपने पास तो फोटो कैसा है इसका, इसकी फोटो है तो इसकी यहाँ से देख आपकी कश्मीरी। रंग कैसा, सॉरी, ये है आपकी जमुना परी, इसका रंग कैसा है? सफेद रंग है। कैसा रंग है? सफेद रंग है। बातों को लिखेंगी, पहला है इसकी उत्पत्ति का पॉइंट, उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कि यूपी के उत्पत्ति के अलावा के कौन से अलावा जिले। और क्या ध्यान में रखना है इसमें की बात करें, शरीर आकार सबसे बड़ा, शरीर आकार कैसा है इसका? शरीर आकार सबसे बड़ा। और क्या ध्यान में रखना है? शरीर आकार सबसे बड़ा है। तो एक सेकंड विशेषता ध्यान में रखना क्या है, वो कान कैसे लंबे, कानों की विशेषता है लंबे हैं, पैर लटकते हुए हैं, लंबे दिखा रहे हैं ना कान, ठीक है, लंबे हैं लटकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अन्य नाम की, किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इस जादुई बकरी कहते हैं, क्या कहा जाता है? जादुई बकरी। और इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ से ध्यान में रखना है कि इसे को
जादुई जादुई बकरी क्या बोलते हैं? याद याद रखना है, मैजिक गॉट। क्या कहते हैं इसे? मैजिक गॉट कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, मैजिक गॉट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मैंने लिखवा दी। और क्या इम्पोर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है कि मैजिक गॉट, अब देखोगे इसकी टांगे कैसी हैं। टांगे की जो पीछे वाली टांग होती है, लंबे घने भाल होते हैं, इसकी विशेषता है। ठीक है, टांगों पर लंबे घने बाल, टांगों पर क्या है? लंबे घने बाल हैं। तो क्या है इसकी विशेषता है? और क्या विशेष दिख रहा है इसके अंदर आपको? देखो, यह जो पाली जाती है कहाँ पर पाली जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, कठोर इलाकों में पाली जाने वाली नस्ल है। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र है, कठोर इलाकों में पाली जाने वाली नस्ल है। कठोर इलाकों में पाली जाती है। और वजन पूछा जाए, इसका वजन कितना है? यहाँ से वजन का क्वेश्चन आता है क्योंकि भारी है। यहाँ पर वजन अगर पूछा जाए, नर का वजन अलग होगा और मादा का वजन अलग होगा। नर का कितना है और मादा का कितना है, यहाँ से ध्यान रखना है। नर का वजन यहाँ पर हो जाएगा 90 किलो। नर कितने वजन का होगा? 90 किलोग्राम का। और मादा की बात करें तो मादा का वजन हो जाएगा 60 किलोग्राम। हो जाएगा 60 किलोग्राम। ध्यान में रखना है सभी को, इम्पोर्टेंट नस्ल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, और यहाँ पर याद रखनी इम्पोर्टेंट विशेषता, कैसी नस्ल है? सूखा प्रतिरोध नस्ल। कैसी है? सूखा प्रतिरोध नस्ल है। और इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट विशेषता हमने छोड़ी इसके, नाक की विशेषता। नाक की क्या विशेषता है? कि जो नाक होती है वो कैसी होती है? रोमन। रोमन नाक किसकी होती है? तो यहाँ पर याद रखना है, तोते की नाक भी कैसी है? रोमन होती है। कारण से इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाक कैसी होती? रोमन। और इसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है तोतापुरी नस्ल। क्या बोलते हैं? तोतापुरी नस्ल भी क्या है? इसी का नाम है, जो आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट बातें थी नस्ल के बारे में, बता चुकी हूँ, पढ़ लें एक बार। पहला पॉइंट क्या है इसमें? उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूपी के इटावा जिले। और शरीर आकार कैसा है इसका? बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, कान कैसे हैं? लंबे हैं, लटकते हुए हैं। और क्या विशेषता है नस्ल है? इसे जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है। टांग पर कैसे बाल हैं? लंबे घने बाल हैं। कहाँ, कौन से क्षेत्र पाल सकते हैं? ग्रामीण क्षेत्र पाली जाने वाली नस्ल है। ठीक है, सूखा प्रतिरोध है। नाक कैसी है? कॉमन नाक है, इस कारण से तोतापुरी नस्ल कहते हैं। बात करें वजन कितना है, तो नर का वजन 90 किलोग्राम है, मादा का 60 किलोग्राम है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आपके लिए जो सरोकार में है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सरोकार शिक्षण संस्थान के नाम से क्या है? हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा पशु परीक्षा का। इसमें आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या है? नोट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में डाउट सेशन आपके लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही क्या है वहाँ पर आपके लिए? टेस्ट सी बिल्कुल फ्री है। इसका लाभ आप उठा सकते हो। साथ ही क्या है? ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है। ऑफलाइन के लिए आप कोचिंग आ सकते हैं, बैच चल रहा है। कोचिंग का सभी को एड्रेस पता होगा, वैसे फिर बता देती हूँ, मालपुरा में है, मालपुरा 11 नंबर शिक्षण संस्थान के नाम से। क्या करना है आपको? इसकी तैयारी अच्छे से, काफी अच्छी पड़ती है। क्या करना है आपको? लगे उसमें आपको एडमिशन,
इसमें नामात्र फीस आपकी ऐप पर भी है और यहाँ पर कोचिंग ऑफलाइन चल रही है वहां पर भी। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, कल मिलेंगे हम इससे आगे और बात करेंगे। इजाजत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।